हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे एवं अपने पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आज हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका क्या सूत्र बनता है, इसका मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है, इन सब चीज़ों को हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। हम जानते हैं कि कोई भी जो आवेश होता है, सपोज करो जैसे प्लस क्यू आवेश है, ये यहाँ रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये प्लस क्यू आवेश अपने चारों ओर एक ऐसा आवरण बनाएगा जिसके कारण से अगर इस आवरण में, यानी एक क्षेत्र बनाया है, इस क्षेत्र में यदि किसी अनोदर चार्ज को हम रखें, तो ये वाला जो चार्ज है इस दूसरे वाले चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा। जो फोर्स होगा वो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उन चार्ज के नेचर पर। तो इस प्रकार इस चार्ज ने अपने चारों ओर ये जो क्षेत्र निर्माण किया है, और इस क्षेत्र में किसी अनुदर चार्ज को रखने पर वह फोर्स अनुभव करता है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है इसको हम इस चार्ज का विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि प्रत्येक चार्ज अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, और इसकी वजह से, इस विद्युत क्षेत्र की वजह से ही चार्जों के मध्य इंट्रेक्शन होता है, यानी अणुक्रिया होती है, और वह अणुक्रिया उनके मध्य लगने वाले बल के लिए उत्तरदायी होती है। सपोज करो यहाँ कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है, तो ये भी अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करेगा। इसका अपना विद्युत क्षेत्र है, इसका अपना विद्युत क्षेत्र है, तो इसका विद्युत क्षेत्र और इसका विद्युत क्षेत्र आपस में अणुक्रिया करेंगे, और इन अणुक्रियाओं के कारण से इन दोनों चार्जों के मध्य बल अप्लाई होगा, फोर्स लगेगा, वो आकर्षण का भी हो सकता है या प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो हम ये जान सकते हैं कि प्रत्येक आवेश है वो अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, और ये विद्युत क्षेत्र ही उन दोनों चार आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए उत्तरदायी होती है। अब देखिए बच्चों, अब यदि उस विद्युत क्षेत्र में हम किसी अन्य आवेश को रखेंगे, तो क्या होगा, जो प्रथम आवेश है वो दूसरे आवेश पर बल आरोपित करेगा जिस बिंदु पर उसको रखा जाएगा। सपोज करो ये एक प्लस क्यू चार्ज यहां रखा हुआ है, और इस प्लस क्यू चार्ज के विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने कोई बिंदु ए लिया है। इस बिंदु ए पर, यहां पर कोई बिंदु ए लिया है, इस बिंदु ए पर हमने एक प्रेक्षण धनावेश क्यू नोट रखा। प्रेक्षण धनावेश क्यू नोट, क्यू नोट एक ऐसा धनावेश है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो क्यू चार्ज है इसके ऊपर ये क्यू नोट चार्ज कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन क्यू चार्ज इस क्यू नोट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको ये क्यू नोट क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्यू नोट है उसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसलिए इस प्रकार के आवेश को हम काल्पनिक आवेश के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब हमने क्यू नोट एक ऐसा आवेश लिया जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, इस कारण से बिंदु ए के ऊपर इसको रखने से क्यू चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स की इंटेंसिटी कितनी होगी, उसकी तीव्रता कितनी होगी, वो हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो बिंदु ए पर क्यू द्वारा क्यू नोट पर जो फोर्स अप्लाई होता है वह फोर्स उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बच्चों
तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है समझ में आया होगा। इसको हम परिभाषा के रूप में देखें तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, तथा क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा बल की दिशा में होती है। इसकी दिशा क्या होगी? बल की दिशा में होगी। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। तो ई बराबर, ई सदिश बराबर होगा एफ अपॉन क्यू नोट। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यानी बिंदु ए जो हमने लिया था, ये हमने एक ऐसा, ये क्यू जो चार्ज है इसका विद्युत क्षेत्र है, और इस पर हमने बिंदु ए लिया और इस बिंदु ए पर हमने परीक्षण आवेश क्यू नोट रखा है। तो इस परीक्षण आवेश क्यू नोट पर ए जो फोर्स अप्लाई करेगा बिंदु ए पर, वो उस बिंदु ए पर इस आवेश क्यू की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? एफ अपॉन क्यू नोट। ये इसका सूत्र लिखा जाता है। अब चूंकि हमने माना है कि परीक्षण धनावेश अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। छोटा इसलिए है कि अगर इस छोटा नहीं होगा, इसका मान होगा, तो ये भी अपना विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा, और यदि ये भी अपना विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा तो ये जो परीक्षण धनावेश है ये भी इसके ऊपर इस पर बल आरोपित करेगा, जिसके कारण से इस आवेश क्यू द्वारा क्यू नोट पर जो वास्तव में बल लग रहा है उसको हम माप नहीं पाएंगे। इसलिए हम ये जो क्यू नोट है इसका मान बहुत छोटा रखते हैं, अत्यंत छोटा रखा जाता है, नेग्लिजेबल, लगभग जीरो के बराबर। इसलिए इसको लिखने का सही तरीका ई लिमिट क्यू नोट टेंस टू जीरो एफ वन क्यू नोट होता है। ओके बच्चों, ये हमारी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा थी। अब इस विद्युत क्षेत्र का हम इकाई याद कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की इकाई याद कर लेते हैं। जो कि हम जानते हैं कि E बराबर F अपॉन Q नोट होता है, और F बल है, बल का मात्रक न्यूटन, एंड आवेश का मात्रक कूलाम। तो E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो SI मात्रक है वो न्यूटन पर कूलाम हुआ। बच्चों याद रखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। एक दूसरा मात्रक और है जो हम इसको देख लेते हैं, न्यूटन पर कूलाम। मैं ऊपर नीचे मीटर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आगे देखिए क्या बनने वाला है। न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलाम और 1 अपॉन मीटर। न्यूटन इंटू मीटर हम जानते हैं जूल होता है, न्यूटन इंटू मीटर बच्चों क्या होता है? जूल होता है। तो ये बनेगा जूल पर कूलाम इंटू 1 अपॉन m। जूल पर कूलाम बच्चों होता वोल्ट। तो देखिए ये बन जाएगा आपका वोल्ट पर मीटर। तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या पता चला? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक हमने दो पढ़े, एक तो न्यूटन पर कूलाम होता है और दूसरा वोल्ट पर मीटर होता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, वोल्ट पर मीटर ये ध्यान में रखना है कि वोल्ट पर मीटर जो मात्रक है वो किसका मात्रक? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है बच्चों। ओके, ये चीज आपके समझ में आई होगी। अब दूसरा इसका ये देख लीजिए, इसकी विमा देख लीजिए, क्योंकि बल है, बल की विमा होती है एम एल टी माइनस टू होती है, आवेश की विमा होती है ए टी होती है। इसलिए हमारे पास इसकी जो विमा मिली है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वो मिली है m1 l1 t-3 a-1। तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आ गई है। क्लियर बच्चों? आगे देखिए, अब यदि कोई आवेश क्यू है वो विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, तो उस पर जो लगने वाला बल होगा वो होगा एफ बराबर क्यू ई।
यानी कि ई विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश क्यों रखा गया है, तो उस पर जो आवेश पर बल लगला अप्लाई होगा, एफ इक्वल्स टू होगा क्यू इंटू ई। एफ इक्वल्स टू होने वाला है क्यू इंटू ई। तो ये बल उस आवेश पर लग लेगा, एफ बराबर क्यू इंटू ई। ओके बच्चों, दूसरा इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज हमें रखना है कि अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर है, विद्युत क्षेत्र की ई की डायरेक्शन ये है और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, धन आवेश रखा है, तो इस पर जो बल लगेगा उस बल की दिशा वही होगी जो ई की दिशा है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश यानी इस दिशा में लगने वाला है। ध्यान रखिए बच्चों, अगर विद्युत क्षेत्र ई के अंदर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है तो उस प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा एफ बराबर क्यू इंटू ई, इसकी दिशा वही होगी जो ई की दिशा होगी। लेकिन अगर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ, माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इस पर जो बल लगेगा वो ई के विपरीत लगेगा। अगर ई की दिशा एक्स अक्ष में है, प्लस अक्ष में है, तो एफ जो लग रहा है वो माइनस अक्ष में लगने वाला है। ये हमें इसके अंदर ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। तो समझ में क्या आया कि प्लस आवेश पर जो बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, एंड माइनस पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगता है। ये हमें इसमें पता चला है। ओके बच्चों, दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये भी जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव बाहर की तरफ होती है, त्रिज्या ऐसे। ये प्लस क्यू आवेश के कारण एरो का निशान है वो बाहर की तरफ होगा, और जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की तरफ होती है, एरो का निशान है वो अंदर की तरफ आने वाला है। ये माइनस है, ये माइनस आवेश है, और ये क्या है, प्लस आवेश है। ओके बच्चों, ये चीज आपकी समझ में आई होगी अच्छे से। तो इस प्रकार से हमने जो आज पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, और उस पर जो बल आरोपित होता है यदि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश को रखते हैं तो उस पर जो बल लग रहा है वो बल किस प्रकार से लगेगा। यहां से एक चीज और समझते हैं, चूंकि हम देखते हैं बल लग रहा है, उस बल को देखिए किस पर डिपेंड करता है, एफ बराबर लग रहा है क्यू इंटू ई। तो ध्यान दीजिए ये बल दो चीजों पर डिपेंड करता है, एफ प्रोपोर्शनल टू ई आ रहा है, यानी जो विद्युत बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि यदि ई बढ़ रहा है, ई इंक्रीज हो रहा है, तो एफ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बढ़ाएंगे तो उस आवेश पर लगने वाला विद्युत बल भी बढ़ेगा। क्लियर बच्चों? दूसरा हमें क्या पता लग रहा है कि एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू, यानी जो आवेश है उसके मैग्नीट्यूड के। तो यहां से भी हमें ये पता चल रहा है कि यदि क्यू यानी आवेश का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो उस पर आरोपित जो बल होगा विद्युत क्षेत्र में वो भी बढ़ेगा। दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्लस आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और माइनस आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगने वाला है। ये चीज यहां से हमें पता चली है। ओके बच्चों, अब हमने जो पढ़ा है कि जो बल है वो प्लस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और माइनस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, इसको हम आगे हम एनिमेशन दे रहे हैं उसके माध्यम से और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो उसको समझते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों, इस एनिमेशन के माध्यम से हम ये समझते हैं कि यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा जाता है तो उस पर फोर्स है वो किस प्रकार अप्लाई होता है। तो देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा है 26.1 न्यूटन पर कूलाम, तथा चार्ज की वैल्यू रखी है 1.4 नैनो कूलाम। अब आप देखना कि
इस चार्ज पर जो 1.4 नैनो कूलाम रखा हुआ है और आपको इस एनिमेशन में रेड कलर में जो डॉट दिखाई दे रही है वो है पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही इसको हम प्ले करते हैं तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, यानी इस प्रकार से नीचे की तरफ आ रहा है। कहने का मतलब हुआ जो फोर्स लगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है। अब यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा दें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो आप देखेंगे इस पर जो फोर्स है वो पहले की तुलना में ज़्यादा लग रहा है। आप देख सकते हैं पहले ये जो रेड कलर में आपको पॉइंट दिखा रहा था वो यहाँ पर आके मीट कर रहा था, अब वो यहाँ पर आके मीट कर रहा है। जैसे इसको हम और बढ़ा दें, अब आप देख सकते हैं तो इस समय इस पर जो फोर्स लगेगा वो आप देखते हैं और ज़्यादा हो गया, वो यहाँ पर रेड कलर है वो यहाँ पर आके मीट कर रही है। क्लियर? अब यदि कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने से उस पर लगने वाला फोर्स बढ़ रहा है, इसी प्रकार यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम कांस्टेंट रखें और जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, देखो 5 नैनो कूलाम रखा है और अब इसको हम प्ले कराते हैं तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये यहाँ आके मीट करा, फोर्स इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। और बढ़ाएं 5 से हम कर दें 9.2, आप देख सकते हैं अब और ज़्यादा फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग लगा है। पहले ये यहाँ आके इस प्रकार मीट कर रहा था, अब ये यहाँ पर ही कर रहा है, यानी फोर्स इस पर ज़्यादा अप्लाई होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने से फोर्स की वैल्यू बढ़ती है और जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाने से फोर्स की वैल्यू बढ़ती है। दूसरा हमने देखा यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग रहा है। अब यदि हम चार्ज को नेगेटिव लेते हैं और देखते हैं, -1 नैनो कूलाम है और जो ब्लू डॉट दिखाई दे रही है वो आपको नेगेटिव चार्ज की दिखाई दे रही है। ओके, अब प्ले करते हैं और देखते हैं, अब आप देख सकते हैं इस पर जो फोर्स लग रहा है अपोजिट टू द फील्ड लग रहा है, क्योंकि ई की डायरेक्शन डाउनवर्ड है जबकि नेगेटिव चार्ज है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अब यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, अब आप देखिए आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से ये यहाँ पर आके इधर जा रहा है, इससे पहले ये इतना जा रहा था तो यहाँ से इतना अधिक ये डेविएट हो गया, ज़्यादा अपने पथ से डेविएट हो रहा है, यानी फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। एक बार और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम और बढ़ा दें, ये रेखाएं पास पास हो रही हैं, इसका अर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब हम प्ले करके देखते हैं, अब आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, पहले वाले की तुलना में ये तेज़ी से अपने पथ से डेविएट हो रहा है, अपने पथ से विचलित हो रहा है। पहले यहाँ पर जा रहा था फिर ये यहाँ पर आया और अब ये यहाँ पर आ गया। तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने से फोर्स बढ़ रहा है। अब यदि हम चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तो देखिए क्या होगा, आप देख सकते हैं जैसे ही चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाया फोर्स बहुत तेज़ी से, क्योंकि पहले ये यहाँ तक पहुँच रहा था अब ये यहीं पहुँच रहा है, यानी फोर्स बहुत ज़्यादा लग गया। अब यदि और हम मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं चार्ज का, -7.8 नैनो कूलाम कर दिया, तो अब देखिए ये यहाँ पर ही और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, पहले इस पर यहाँ पर पहुँच रहा था अब ये यहाँ पर पहुँच रहा है, तो फोर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। तो कहने का ये अर्थ ये हुआ कि यदि किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है, और जो फोर्स है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर और दूसरा चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, धन्यवाद।